आज हम लोग फिर जैसे बात किए थे हम लोग ओके कि नेक्स्ट टॉपिक पर जब आएंगे हम लोग कोलिजन थ्योरी जो किसके ऊपर डिपेंड है वो भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है आपका। जैसे हम लोग को याद होगा पीछे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन ROR और उसी के ऊपर डिपेंड था आपका कोलिजन थ्योरी। तो वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत एक ग्राफ बनाया था और उस ग्राफ को हम बात किए थे कि उसमें एक टर्म आ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी जिसको हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे गौर से इसी को हम लोग यूज कर रहे हैं, काफी गौर से देखना है यहाँ से ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ROR रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें हम लोगों ने टर्म बनाया किसको कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन सब लोग जानते हो, कोलिजन का मतलब क्या होता है कोलाइड करना। तो जहां रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करता है, कोलाइड करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाता है, यहां हम लोग को जो चेक करना है कि क्या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है पूरी तरीके से कोलाइड करकर पूरी तरीके से वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाता है कोलिजन के थ्रू, ये चेक करना है। कहना ये है मेरा कि सारा कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में जो कोलिजन होता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरीके से प्रोडक्ट में फॉर्म कर जाए, दैट मीन्स कि इफेक्टिव हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इफेक्टिव का मतलब होता है कि वो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा हो। मेरा कहना ये है जो लिखे हम यहाँ पे कि ऑल कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर नॉट इफेक्टिव। नॉट इफेक्टिव कहने का पर्पस, ये जो नॉट इफेक्टिव डाले हम लोग, नॉट इफेक्टिव मतलब पूरी तरीके से वो इफेक्टिव नहीं हो पाता है किसमें, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने में। क्यों नहीं हो पाता है, तो इसके पीछे दो टर्म्स बनाया गया है यहाँ कोलिजन थ्योरी में। क्या ऐसा बात क्या है, तो दो बात बनाया गया, एक है आपका ओरिएंटेशन बैरियर क्या है सो दिखाते हैं, और दूसरा इनर्जी बैरियर। तो कहने का मतलब क्या है सो गौर से समझो, हम यहाँ ओरिएंटेशन और बैरियर को ऊपर का मिटा दे, ये समझ गए कि सारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है कोलाइड करे, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरीके से इफेक्टिव हो ही, दैट मीन्स कि पूरी तरीके से प्रोडक्ट बने ये कोई जरूरी नहीं हो पाता है। उसके लिए दो चीज होना जरूरी है, ओरिएंटेशन जो ये बैरियर एक है और दूसरा बैरियर है आपका इनर्जी। क्या है सो देखते हैं, तो ओरिएंटेशन बैरियर के बारे में पहले चेक कर ले। मेरा कहना यह है गौर से देखो कि जैसे मान लो हमेशा हम A2B2 लेते हैं तो वही लेते हैं ठीक है ना, A2 प्लस B2 ये बनाया AB, बैलेंस कर लोगे A2AB बनेगा। अब यहां पर गौर से देखना, यहां दो टर्म हम यूज कर रहे हैं, एक ऐसे और एक दूसरे तरीके से। एक देखो, जैसे मान लो कि ए ठीक है, ए हो, ए बॉन्ड ए बना दिया ठीक है, और ये बना दिया आपको बी बॉन्ड बी। तो प्रॉब्लम क्या है यहां पर कि मान लो कि एक जो है ये एक A2 जो है ये 2A2 हो गया और ये B2 को हम लोगों ने 2B यूज कर लिया। गौर से देखना, तो अब जो इंटरेक्शन होगा, जो कोलिजन होगा, ये इस A और इस B के बीच का होगा। तो ये तो मेरा बच गया, ये बच गया और ये बच गया। इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है सामने सामने, इसके और इसके। तो जब इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड भी कर रहा है तो कोलाइड करने के बाद पूरी तरीके से मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड नहीं कर पा रहा है, सिर्फ कोलिजन और इंट्रैक्शन किसके बीच में हो रहा है, A2 के मॉलिक्यूल्स में इस A के और इस B के। तो इसी दोनों से तो सिर्फ प्रोडक्ट बन पाएगा जो आगे जो मेरा बनेगा, सो जो प्रोडक्ट बनेगा तो सिर्फ इसी दोनों का दिखेगा हमको, इसी दोनों का, इसका और इसका तो नहीं दिखेगा। तो ऐसे प्रोसेस में, ऐसे प्रोसेस को हम लोग नॉट इफेक्टिव कहते हैं, ये इफेक्टिव नहीं है ठीक है। बट
मिटा दें। अब देखो अगर यही ऐसा होता ए और ए ऐसे हो, ठीक है, और ये हो बी और बी, तो अब तो ये भी यहाँ भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो ये भी हो गया, तो ये होगा आपका परफेक्ट इफेक्टिव, ये इफेक्टिव, ये इफेक्टिव है। दैट मीन्स कि ये परफेक्ट ओरिएंटेशन में काम कर रहा है, यानी कि सारा मॉलिक्यूल्स जो है ये जो है इसके साथ भी काम कर रहा है, ये इसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, तो परफेक्ट ओरिएंटेशन हो रहा है। और जब परफेक्ट ओरिएंटेशन होगा तब जाकर पूरा इफेक्टिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये है आपका ओरिएंटेशन का, कि जो ओरिएंटेशन होना चाहिए, जो बैरियर उन्होंने बनाया है तो ये बनाया कि आपका जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो पूरी तरीके, जैसे हम लोग पूरी तरीके से कहने का मतलब एकदम आमने सामने, एक छोटी सी बात याद दिलाते हैं, बॉन्डिंग में हम लोग एक बात पढ़े थे, एक बॉन्ड था मेरा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, याद करो सिग्मा बॉन्ड जो है एकदम हेड टू हेड ओवरलैप करता था, एकदम हेड टू हेड, एकदम हेड टू हेड, एकदम आमने सामने, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट, एकदम आमने सामने परफेक्ट ओरिएंटेशन इसी को कहते हैं। और पाई जो बनाता था वो साइड वाइज, तो साइड वाइज बनाने में क्या प्रॉब्लम होता था कि ये इसके साथ तो हो गया लेकिन फिर ये जो हेड टू हेड था उसका तो कोलिजन हुआ ही नहीं, समझ रहे हो बात को क्या कर रहे हैं? तो वही बात है कि यहाँ जो आपका ओरिएंटेशन जो होना चाहिए, इफेक्टिव जो बनना चाहिए प्रोडक्ट, वो तभी बनेगा जब एकदम हेड टू हेड काम करे, एकदम कैसा काम करे, हेड टू हेड, एकदम आमने सामने, हेड टू हेड एकदम कोलाइड होना चाहिए, हेड टू हेड सारे के बीच में, तब जाकर वो इफेक्टिव बनाता है, समझ गए बात? अब हम लोग आते हैं, ये तो ओरिएंटेशन की बात होगी, पहला बैरियर जो था ओरिएंटेशन उसकी बात, दूसरा बैरियर है आपका जो आपका है क्या, इनर्जी बैरियर। तो इनर्जी बैरियर को हम लोग ऐसे समझें जैसे हम बताए भी थे, चलो ये ठीक है, यहां पर हम लोगों ने क्या लिया था, रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है इसको ले लिया, ठीक है, और यहां पर हम लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं जो ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसको हम लोगों ने क्या किया था, न्यू बताया था, ये यहां पर क्या है, गौर से देखो, गौर से देखना, ये जो यहां पे है यहां से यहां तक की बीच की जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये यहां पे, ये यहां क्रॉस किया सेंटर को एकदम, और इसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, देखना गौर से, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और अब जो यहां की बात हम कर रहे हैं, हम यहां से लेकर और यहां तक के बीच, यानी कि हम यहां पर एक लाइन ड्रो कर रहे हैं, ये यहां से यहां तक की बीच की जो बात है, ये और ये यहां तक, पूरा यहां से यहां तक, इसी को कहा जाता है ईए, ईए जिसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, क्या यहां बताना चाह रहा है, सो समझो बात को, इनर्जी बैरियर, कि मान लो कि आप मार्केट में गए और आपको 50 रुपए का सामान को खरीदना है और आपके पॉकेट में 10 रुपए है, दैट मींस इनर्जी तो आपके पास है, 10 रुपए ही है लेकिन इनर्जी तो 10 रुपए का है, अब उसको क्या करना है कि 40 रुपए की इनर्जी अगर थोड़ी लगा दी जाए तो जाकर वो यहां तक वो पहुंच जाएगा,
बैरियर यही है, यहाँ पर आने के बाद तो फिर वो अपने काम में आ जाएगा। तो मेन जो जगह है सो ये, दैट मीन्स कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी है उस एनर्जी को पुल करने के लिए जो एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे कहाँ तक आने के लिए, इसको क्रॉस करने के लिए, किसको, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ तक आने के लिए जो एनर्जी का आप इस्तेमाल करते हो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि यहाँ के बाद तो फिर वो अपने प्रोडक्ट में आ जाएगा। जैसे ऑर्गेनिक में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, रिएक्टेंट से क्या बन गया, ट्रांजिशन स्टेट। तो वहां तक तो हमको एनर्जी दे दिया गया, अब ट्रांजिशन स्टेट खुद से क्या हो गया, आगे की ओर मूव किया, अब मूव करके प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो जो बैरियर है कहां तक है, यहां तक, एनर्जी का जो बैरियर है वो कहां तक है, यहां तक है। और इसी बैरियर को हम लोग को क्रॉस कराना है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैरियर, किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। समझ लो बात को, कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी रही होगी, कुछ तो होगी, ना होने का सवाल ही नहीं है, तो जो रिएक्टेंट की एनर्जी रही होगी उसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप लगाते हो किसको क्रॉस कराने के लिए, कहां तक लाने के लिए, इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के पास, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तब जाकर ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये आपका काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड है, इसको काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। समझ गए बात को, तो बात ये आती है कि वो था एक ओरिएंटेशन बैरियर, जहाँ हेड टू हेड एकदम काम होना चाहिए तो परफेक्ट ओरिएंटेशन होगा। अगर हेड टू हेड काम नहीं हो रहा है तो वहाँ परफेक्ट ओरिएंटेशन नहीं होगा, तो पूरी तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्म नहीं करेगा। इसलिए कोलिजन होने के बावजूद भी इफेक्टिव कोलिजन नहीं बन पाता। समझ गए, तो इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में हेड टू हेड काम होना चाहिए, तब जाकर वो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेगा, ब्रेक डाउन होगा और प्रोडक्ट में बनेगा। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन होने के बाद हम लोग को दूसरा पॉइंट जो बन गया, ठीक है चलिए एक्स्ट्रा एनर्जी देके ब्रेक डाउन किए तो कहाँ तक लाने के लिए, एक्टिवेटेड तक लाने के लिए, उसके बाद तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। समझ गए, और यहाँ तक की जो एनर्जी एक्स्ट्रा हम लोग सप्लाई करते हैं रिएक्टेंट की, जितनी एनर्जी होती है उसमें, दैट एनर्जी इज कॉल्ड क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। समझ गए बात, अब समझो, एक मिनट वाइपर, एक चीज और समझ लो, अब मान लो एक चीज और समझ लो, जैसे हम एक और ग्राफ यहां बनाते हैं, गौर से देखना, यहां पर हम लोग डाल दिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ये तो आपका काइनेटिक एनर्जी है, अब यहां पर देखो गौर से क्या होता है, सो एक ग्राफ के थ्रू, अब यहां क्या है कि जैसे जैसे एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होता जाएगा तो यहां पर डॉट देखो गौर से क्या हो रहा है, ये इतना फ्रैक्शन हुआ यहां तक का, मान लेते हैं ये इसका फ्रैक्शन हुआ, ये इसका फ्रैक्शन हुआ, ये इसका फ्रैक्शन हुआ, ये यहां तक का फ्रैक्शन हुआ, इस हद तक फ्रैक्शन होता गया। और फिर यहां से जाने के बाद ये बता रहा है कि जो कोलिजन हम लोग जो करा रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन हो रहा है वो इतना होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। और ये जो आपका अभी बताए थे ना एक्टिवेटेड का फॉर्म, बीच का फॉर्म है, इसके बाद वो जाकर इतना, ये लास्ट में जो आपका इतना आ रहा है, ये लास्ट पोर्शन जो इतना आ रहा है, फाइनली जो है इतना कन्वर्ट कर गया वो एक्टिवेटेड के बाद प्रोडक्ट बनाने में,
बस इतना, यहां तक तो हम लोगों ने लाया, यहां से स्लोप किया तो ये जो यहां लास्ट है ये फाइनली बना आपका प्रोडक्ट इतना, ठीक है। अब ये बात है कि सर अगर इसमें हम टेम्परेचर को बढ़ा दे, तो जैसे आप जानते हो कि टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, मान लो कि इसमें हम टेम्परेचर को बढ़ा दिया, हम मगर ये जो प्रोडक्ट बना इसको हम लोग कर देते हैं T1, चलो टेम्परेचर फर्स्ट कर दिए। अब जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे इसी पर ड्रॉ कर रहा है, देखना गौर से, क्या हुआ, अब जो बनाए हम लोग टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, पहले था T1 तो ये था फॉर्म, अब हम इसमें क्या कर दिए प्लस, हम लोग मान लो चलो 30 डिग्री सेल्सियस इसमें क्या किया हम लोगों ने, प्लस कर दिया, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ा दिया पहले से ज्यादा, तो ये आपका जो बना क्या बन गया T2, इसी को क्या लिख दिया हम लोगों ने T2 कर दी, ये T1 था पहले, टेम्परेचर को लगाएं तो अब देखो गौर से, जैसे ही आपने लगाया तो क्या हुआ, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो गया, ज्यादा बनना शुरू हो गया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हुआ, ज्यादा बनना शुरू हो गया, लेकिन ये जो बीच का टर्म है ये तो हमेशा रहेगा, दैट मींस कि टेम्परेचर को अगर हम लोग इंक्रीज करें तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो कोलिजन जो है मॉलिक्यूल्स में वो भी इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा, और जब इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा तो निश्चित तौर पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आ जाएगा आपका इंक्रीज करके, और प्रोडक्ट भी ज्यादातर पर इफेक्टिव होना शुरू हो जाएगा, समझे बात को, दैट मींस हम यहां कर सकते हैं कि किसका प्रोडक्ट ज्यादा इफेक्टिव है, तो T2 का ज्यादा इफेक्टिव होगा किससे, T1 से, ये ध्यान रखना हमेशा, T2 का ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसी के ऊपर मिटा देना इसको, याद रखना हमेशा, इसी को जैसे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिवेशन एनर्जी का, ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर के डिपेंडेबल, हम लोग टोटल चीज किसके ऊपर पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर के डिपेंडेबल पढ़ रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी जो है आपका E^-EA/RT, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EA, तो हम R को यहां फिर यूज कर सकते हैं, EA को भी यूज कर ले, कोई बात नहीं है, एनर्जी को हमको यूज करना है, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, रेट कांस्टेंट के, तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था, सिंबल K, तो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, E-EA/RT हुआ, प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम लोग हटा दें तो क्या आ जाएगा, A कांस्टेंट एक आया, E^-EA/RT, and that equation जो ये lastly finally जो ये equation आता है आपका, इसी को हम लोग किससे नाम से जानते हैं, Arrhenius equation, यही है आपका कौन सा equation, Arrhenius equation, जहां पर ए आर्हेनियस फैक्टर है, ई जो है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ई एक्टिवेशन एनर्जी है, आर आप जानते हो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर, और के आपका रेट कांस्टेंट है, तो एक ये फॉर्म बना टेम्परेचर के डिपेंडेबल जो हम लोगों ने काम किया, ग्राफ को गौर से ध्यान से देखना। दूसरा, इसी को अगर लॉग के फॉर्म में लाएं तो लॉग के फॉर्म में लाने के बाद जो फॉर्मूला आएगा उसके ऊपर और इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। बस ये ध्यान रखना कि ग्राफ के बेसिस से क्या क्या होता है, कैसे बढ़ेगा, किस कारण से होगा, कितना हेड टू हेड होना चाहिए तो काम हो रहा है इफेक्टिव, टेम्परेचर बढ़ने से क्या क्या बढ़ जा रहा है, इफेक्टिव बढ़ जा रहा है, कोलिजन बढ़ जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट भी ज्यादा इफेक्टिव होता जा रहा है। तो ये दो टर्म था आपका, एक ओरिएंटेशन और दूसरा एनर्जी बैरियर। अब नेक्स्ट क्लास जो लास्ट क्लास है आपका, उसमें इसका लॉग का फॉर्म निकाल कर और आपको सामने फिर इसके बेसिस, ग्राफ के बेसिस का जो क्वेश्चन है और इसके बेसिस का जो क्वेश्चन है आपके सामने हम पुट कर देंगे। बस यही है, ठीक कह रहे हैं, पीछे के जितनी बात बताए हैं उसको यहाँ रखना,
रखोगे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके।